दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं? विश्व में वैसे तो कई जानवर हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, मगर हम आज 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही खतरनाक जानवर माने जाते हैं, जिसके पास जाना मौत का कारण बन सकता है। यह 5 जानवर इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं। इनके कारण लाखों लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। आज हम इन्हीं जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, मगरमच्छ का जबड़ा बड़ा ही मजबूत होता है। इसके जबड़े में नुकीले दांत होते हैं जो मांस को फाड़ देते हैं। यह आमतौर पर पानी में ही रहते हैं, मगर पानी के बाहर भी कम दूरी पर बहुत तेज गति से हमला कर सकते हैं। मुख्य तौर पर मगरमच्छ इंसानों पर 4 कारणों से हमला कर सकते हैं। पहला, जब मगरमच्छ भूखा हो। दूसरा, जब मगरमच्छ अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे होते हैं। तीसरा, जब मगरमच्छ अपने बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। और चौथा कारण, जब अन्य प्रजाति पर हमला करना चाहते हैं। मगरमच्छ को अफ्रीका में सबसे अधिक इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पूरे दुनिया में सालाना 1000 मौतें मगरमच्छ के हमले से होती है। नंबर 4 पे सांप आता है, जो बहुत ही खतरनाक जानवर माना जाता है। सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही हमें डर लगने लगता है। दुनिया भर में 100 से अधिक प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। हर दिन सांप द्वारा काटने की खबरें मिलती है, मगर ज्यादातर भारत में सुनने को आता है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। एक अनुमान मुताबिक हर साल 50 लाख से अधिक लोगों को सांप काटते हैं। उनमें से आधे सबसे जहरीले होते हैं। दुनिया भर में प्रतिवर्ष 81,000 से लेकर 1,38,000 लोग सांप के काटने से जान गंवा देते हैं। इसलिए इसको इंसानों के लिए खतरनाक जानवरों की लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं। नंबर 3, तीसरे नंबर पे कुत्ता आता है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुत्ता भी एक खतरनाक जानवर माना जाता है, मगर यह बात सच है। कुत्तों में ज्यादातर रेबीज वायरस होता है। यह वायरस इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। रेबीज के कारण इंसान पहले पागल हो जाता है और कुत्ते की तरह हरकत करने लगता है, और फिर उसके कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। WHO के अनुसार हर साल पूरे दुनिया में लगभग 35,000 मौतों का कारण रेबीज है, और इन मामलों में 99% कुत्तों के कारण होता है। हालांकि टीकों का उपयोग करके रेबीज वायरस को रोका जा सकता है। यदि आप कुत्तों का पालन करते हैं तो कुत्तों को रेबीज का टीका लगाना न भूलें। नंबर 2, और दूसरे नंबर पे टेट से मक्खियां आती है। जी हाँ दोस्तों, इंसानों के लिए दूसरे नंबर पर आती है टेट से मक्खियां। यह मक्खियां स्लीपिंग सिकनेस नामक एक बीमारी को फैलाती है। इसे एक परजीवी संक्रमण कहा जाता है, जिसमें पहले सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द और खुजली जैसे लक्षण सामने आते हैं, मगर बाद में यह न्यूरोलॉजिकल समस्या पैदा कर सकता है, जो इंसान का मौत का कारण बन सकता है। यह मक्खियां इतनी खतरनाक होती है कि अकेले टेट से मक्खियों की वजह से प्रतिवर्ष 10,000 इंसान अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सबसे खतरनाक जानवर की लिस्ट में नंबर 1 पर है मच्छर। जी हाँ दोस्तों, हो गए ना शौक। इतना सा दिखने वाला यह मच्छर दुनिया में सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में इसका नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। मच्छर दुनिया में तेजी से फैलने वाली बीमारियों को फैलाने में सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, बुखार आदि बीमारियां हैं जो मच्छर द्वारा फैलती है। इसमें मलेरिया बीमारी अपने आप में आधे से अधिक मच्छरों से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। बात करें मच्छरों के द्वारा लोगों की जान जाने की, तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोग मच्छर के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। यह अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। सबसे अधिक मौतों के लिए भी मच्छर ही जिम्मेदार होते हैं, इसलिए मच्छर सबसे खतरनाक जानवर माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट में अपने सुझाव दें। हमारी और वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सांप दिखने पर मिलते हैं यह 5 संकेत, जानिए आपके लिए शुभ या अशुभ। सांपों से जुड़े कुछ संकेत बेहद अहम होते हैं, फिर चाहे ये संकेत सपने में मिले या हकीकत में, इनका संबंध आपके भाग्य तक पर पड़ता है। हिंदू धर्म में सांप को देवता का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, नागों की विधि विधान से पूजा करने के लिए नागपंचमी का पर्व भी मनाया जाता है। भगवान शिव ने तो नाग को अपने गले में धारण किया है। देश में कई नाग मंदिर हैं, लेकिन इसके साथ ही सांपों से जुड़े कई शगुन अपशगुन भी प्रचलित हैं। आज हम सांपों से मिलने वाले ऐसे ही शुभ अशुभ संकेतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, सफेद सांप। सफेद सर्प हकीकत में दिखे या सपने में, इसे बेहद ही शुभ माना गया है। सौभाग्यशाली लोगों को ही ऐसे नाग के दर्शन होते हैं। सफेद नाग का दिखना जीवन में अपार धन वैभव के मिलने का संकेत है। इसके अलावा यह बड़ी सफलता मिलने का भी इशारा है। ऐसी घटना सोई किस्मत जगा देती है। किसी मंदिर में सांप का दिखना भी बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। संकेत नंबर 2, शिवलिंग पर सांप। वही शिवलिंग पर सांप लिपटा हुआ देखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। नाग के अपने ईष्ट शिव से मिलन का यह अद्भुत दृश्य देखने का मतलब है कि आप पर भगवान शिव की अपार कृपा होने वाली है। ऐसा सपना भी बहुत शुभ माना गया है। संकेत नंबर 3, अगर बाएं ओर से रास्ता काटे सांप। यदि सांप बाईं ओर से आकर रास्ता काट दे तो यह नुकसान का संकेत है। ऐसा होने पर व्यक्ति को सावधानी से काम लेना चाहिए।
अगर आपके आगे से अगर सांप गुजर जाए तो यह अशुभ माना जाता है। संकेत नंबर 4, अगर दाएं ओर से रास्ता काटे सांप, वही सांप का आपके दाएं ओर से आकर रास्ता काटना बहुत शुभ होता है। यह सफलता मिलने का संकेत है। अगर आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए यह शुभ संकेत है। संकेत नंबर 5, अगर पेड़ पर चढ़ता दिखे सांप, इसी तरह सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखने का मतलब है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। धन लाभ होने की भी प्रबल संभावना होती है। ये दर्शाता है कि आपको धन लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, आपने जाने सांप दिखने पर मिलने वाले 5 संकेत। हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अपने सुझाव दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।